हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीएच बात। आप कैसे हैं? आप सभी उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। इम्यूनो हिमेटोलॉजी के चैप्टर में हम सभी आगे बढ़ रहे हैं। हमने एबीओ सिस्टम देखा, इंट्रोडक्शन देखा, उसके बाद हम इम्यूनो हिमेटोलॉजी के अंतर्गत एक मेन टेस्ट आता है जिसे हम लोग कूम्स टेस्ट कहते हैं या फिर एंटी ह्यूमन ग्लोबुलिन टेस्ट भी कहा जाता है इसे। कूम टेस्ट क्या है? कूम टेस्ट एक जनरली ब्लड टेस्ट है जो कि हमारे रेड ब्लड सेल में विरोध में जो एंटीबॉडीज़ की जांच करता है। कई बार हमारे रेड ब्लड सेल में एंटीबॉडीज़ उसी को नष्ट करने लगते हैं, हमारे ही अच्छे कोशिकाओं को नष्ट करने लगते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप हमें हीमोलाइटिक एनीमिया हो सकता है, पीलिया, बुखार और बहुत सारी चीज़ें, कमजोरी हो सकती हैं। तो इसीलिए हम सभी कूम्स टेस्ट करते हैं। कई बार बच्चों के केस में भी ये टेस्ट किया जाता है, जैसे अगर कोई वूमेन पॉजिटिव हो और आरएच पॉजिटिव मतलब, और मेन आरएच नेगेटिव हो, तो कई बार इन्फेंट में चांस होता है कि उसमें किस तरह का आगे ब्लड बनने वाला है, वो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, इसकी जाँच के लिए भी कूम्स टेस्ट द्वारा ही किया जाता है। आइए आगे बढ़ते हैं हम सभी। कूम्स टेस्ट जो होते हैं ना, ये दो तरह के होते हैं। पहला तो डायरेक्ट कूम्स टेस्ट, दूसरा इनडायरेक्ट कूम टेस्ट। डायरेक्ट कूम टेस्ट में आरबीसी से जुड़े एंटीबॉडीज की जांच होती है, आरबीसी के सरफेस में जो एंटीबॉडीज होते हैं उसके लिए हम लोग जांच करते हैं। और इनडायरेक्ट कूम टेस्ट में सीरम में मौजूद जो एंटीबॉडी फ्री होती हैं, मूवेबल होती हैं, वो घूमती रहती हैं रक्त द्रव्य भाग जिसमें लाल रक्त कोशिकाएं नहीं होती हैं सीरम में, क्योंकि आरबीसी नहीं होती हैं और एंटीबॉडी फ्री रूप से घूमती हैं, उससे हम सभी टेस्ट करते हैं। और इनडायरेक्ट कूम टेस्ट सीरम से हम लोग करते हैं। तो ये मेन जानकारी है दोनों, डायरेक्ट कूम टेस्ट और इनडायरेक्ट कूम टेस्ट के बारे में। ये कई बार पूछा जाता है आपसे, जनरली याद रखें कि डायरेक्ट कूम टेस्ट जो होगा वो आरबीसी से जुड़े एंटीबॉडीज़ के लिए होगा और इनडायरेक्ट कूम टेस्ट जो होगा वो सीरम से जुड़े एंटीबॉडीज़ के लिए होगा। आइए सबसे पहले हम सभी इनडायरेक्ट एंटीग्लोबुलिन टेस्ट, कूम्स टेस्ट के बारे में, इनडायरेक्ट कूम टेस्ट इसे कह सकते हैं, इसके बारे में पढ़ते हैं। रिक्वायरमेंट में क्या क्या चाहिए टेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि हम तो टेस्ट ट्यूब ले लीजिए, फर्स्ट सर्पिपेट ले लीजिए, इंक्यूबेटर ले लीजिए, सेंट्रीफ्यूज ले लीजिए और माइक्रोस्कोप, क्योंकि बाद में हम सभी माइक्रोस्कोपिक द्वारा देखने वाले हैं। स्पेसिमेन किस तरह का स्पेसिमेन होना चाहिए? सीरम स्पेसिमेन होना चाहिए, नॉट फास्टिंग, हमें किसी भी तरह के कोई फास्टिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी। रिएजेंट लेना है, एंटी ह्यूमन सीरम और एंटी डी सीरम, ये आपको मिलेंगे, आपको ले लेना है दोनों। अब टेस्ट प्रोसीजर में आगे बढ़ेंगे। लेवल थ्री टेस्ट ट्यूब टी पी सी एन सी, टी का मतलब क्या हुआ टेस्ट, पी सी का मतलब क्या हुआ पॉजिटिव कंट्रोल, एन सी का मतलब क्या हुआ नेगेटिव कंट्रोल, ये शॉर्ट में लिखा जाता है। टी में आपको टी वाले टेस्ट ट्यूब में एड टू ड्रॉप ऑफ टेस्ट सिरप, जिस सिरम का हमें टेस्ट करना है उसका टू ड्रॉप डाल देना है। पॉजिटिव कंट्रोल में हमें एक ड्रॉप एंटी डी सिरम डालना है और नेगेटिव कंट्रोल में एक ड्रॉप हमें नॉर्मल स्लाइन डालना है। प्रोसीजर में जैसे ही हम आगे बढ़ेंगे, एड वन ड्रॉप ऑफ 5% स्लाइन सस्पेंशन ऑफ द पोल्ड ओ आर एच ओ डी पॉजिटिव सेल इन ईच ट्यूब। पहले से हमें एक ओ डी जिसका पॉजिटिव हो वो एक हमें 5% सेल सस्पेंशन बना के रख लेना है और एक एक ड्रॉप हमें ऐड करना है उसमें। इंक्यूबेट करना है सभी ट्यूब्स को 1 घंटे के लिए 37 डिग्री सेल्सियस में। अब नेक्स्ट हमें क्या करना है, वॉश द सेल 3 times इन नॉर्मल सलाइन टू रिमूव एक्सेस सीरम विथ नो फ्री एंटीबॉडीज। हमें जो ऊपर में सुपरनेटेड पार्ट है उसे डिस्कार्ड करना है नॉर्मल सलाइन के साथ, 3 times हम उसे वॉश करेंगे, जैसे हम सभी सेल सस्पेंशन बनाते हैं उसी तरह उसे 3 times वॉश करेंगे। और फिर उसके बाद नीचे जो सेडिमेंट बचेगा उसमें 2 drops कूम सीरम हम ईच ट्यूब, तीनों ट्यूब में डाल देंगे और 5 मिनट तक का इंतजार करेंगे। फिर उसके बाद सेंट्रीफ्यूज करेंगे 1500 RPM पर और उसके बाद हम सभी उसे स्लाइड में रखकर माइक्रोस्कोप की सहायता से देख सकते हैं। तो ये उसमें हमें एग्लूटिनेशन और नो एग्लूटिनेशन दिखाई देगा। अब जब रिजल्ट की बारी है तो एक चार्ट के माध्यम से मैं बता रहा हूँ, 3 steps है हमारे पास, एक पॉजिटिव कंट्रोल है, नेगेटिव कंट्रोल है, टेस्ट है, ऑब्जर्वेशन और कंक्लूजन। ऑब्जर्वेशन में क्या देखते हैं, अगर पॉजिटिव कंट्रोल में एग्लूटिनेशन दिखाई देता है तो हम समझ जाएंगे कि हमारा टेस्ट सही परफॉर्म हुआ है। नो एग्लूटिनेशन दिखाई देगा तो कूम सीरम में भी नोट भी प्रॉपर, फिर हो सकता है कूम सीरम प्रॉपर तरीका से नहीं होगा या फिर वो गलत होगा, बहुत दिनों का होगा, हम उसे यूज़ नहीं कर पाएंगे, तो हम टेस्ट को रिपीट करेंगे। नेगेटिव कंट्रोल में क्या है, इट शुड शो नो एग्लूटिनेशन सिंस सलाइन डज नॉट कंटेन एंटी डी और एनी अदर एंटीबॉडीज, उसमें किसी भी तरह का
एंटीबॉडीज़ कंटेन नहीं किया है। अब टेस्ट में एग्लूटिनेशन अगर दिखाई देता है तो पेशेंट सीरम कंटेन एंटी डी, अगर एग्लूटिनेशन वो क्लम्पिंग दिखाई दे रहा है तो हम समझ जाएंगे कि उस सीरम में एंटी डी प्रेजेंट है। नो एग्लूटिनेशन दिखाई देता है तो उसमें एंटी डी प्रेजेंट नहीं है। जनरली हमने इसमें एंटी डी का ही टेस्ट किया है। तो ये सिंपल कूम टेस्ट हमारा यहीं पर ख़त्म होता है। इनडायरेक्ट कूम टेस्ट हम इसे कहेंगे, या फिर इनडायरेक्ट एंटी ग्लोबुलिन टेस्ट, ये है एक तरह का। तो सिंपल सा है, आप उम्मीद है आप समझ गए होंगे, आप इसे अपने नोटबुक में नोट कर लें और आप खुद से नोट्स बनाएं तो ज़्यादा अच्छा होगा। हमारा ये कूम टेस्ट यहीं पर कम्प्लीट होता है। नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू।